अच्छा आज हम देखेंगे कि अपने पीसी में हम डेव सी प्लस प्लस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा तो चलिए शुरू करते हैं। चाहिए मैंने पहले पेज ओपन किया हुआ था, मैं आपको जवाब करता हूँ कि आपने पहले लिखना है डेव सी पी पी, ठीक है। आप ये लिखें, इसमें एक ये आप देखें, ये लिखा हुआ फाइल हिप्पो, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, वेबसाइट लोड हो जाए, हम डाउनलोड पे क्लिक करें, नो थैंक्स कंटिन्यू टू डाउनलोड। अच्छा इसके बाद ऑटोमेटिकली ये लिखे हुआ है। अच्छा तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरा आई डी एम ऑटोमेटिकली इस लिंक को कैप्चर नहीं करता, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे आई डी एम पर है मेरे पास, मैं आई डी एम पर जाकर से पेस्ट कर देता हूँ ताकि जल्दी से ये डाउनलोड हो जाए। तो चलिए हम इसके डाउनलोड होने का इतना वेट करते हैं, ये डाउनलोड हो जाएगा तो फिर हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे अपने पीसी में। जैसे आपके देख रहे हैं कि हमारा ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, तो चलिए मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे ये इंस्टॉल हुआ है, यहाँ के डाउनलोड हो चुका है। तो मेरे पास पहले भी ये मैंने एक डाउनलोड किया हुआ था सेटअप, तो ये वो अच्छा तो मैं इसको ये ओ ऐड क्लिक करके ओपन करता हूँ, यहाँ पे यस अभी ऑटोमेटिक अनपैक हो रहा है। जैसे ये अनपैक हो जाएगा तो फिर हम आगे देखेंगे। अच्छा तो यहाँ पे आपने जो लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट करनी है वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया आप अपनी एग्री। अच्छा इसमें मर्जी है आपकी, वैसे तो ये जो बाई डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है मैं उन्हें सिलेक्ट ही रहने देता हूँ, कोई चेंजिंग नहीं करता इसमें। अच्छा यहाँ पर आप अपना मर्जी से, अगर आप अपना कोई पाथ अलग देना चाहते हैं कि आप नहीं चाहते कि सी में ये मैं इंस्टॉल करूँ, तो आप ब्राउज करके अपना पाथ कोई और भी दे सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ है मैं उसी को यूज़ करता हूँ, वो नेक्स्ट करता हूँ तो ये अब इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉलिंग में कम से कम मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लेता है, और अगर आपका पीसी अच्छा है वो आप एसएसडी यूज़ कर रहे हैं, मैं तो एसएसडी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप एस डी डी यूज़ करते हैं तो उसमें जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसमें कॉपी जो होती है फाइल वो जल्दी हो जाती है, तो सभी थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बना कर आपको भेजता हूँ, वो आपको बेल आइकन दबाने की वजह से आपको जो मेरी नई वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन बाद में मिल जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बस ये इंस्टॉल हो गया है, तो बस अब हम इसको फिनिश करते हैं। अच्छा यहाँ से ही मैं इसे रन कर लेता हूँ,
ताकि उसमें जो बेसिक है वो भी हम देख लें कि कैसे इसमें हम सेटिंग वगैरह करेंगे बेसिक जो होती है। अच्छा इंग्लिश ओरिजिनल है, ठीक है यही सिलेक्ट करने देते हैं। आगे आप अपना व्यू वगैरह चेंज कर सकते हैं, फ़ोन चेंज कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी लगाना चाहें। स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये पिछले बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा इससे, अगर आपको कोई कंफर्टेबल महसूस होता है किसी और कलर के साथ तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यही। अच्छा इसमें ये कुछ आइकन्स हैं जिनका जो स्टाइल्स है वो है, मैं न्यू लुक यूज़ करूँ, नेक्स्ट करता हूँ। ओके और ये हमारा डेव CPP इंस्टॉल हो गया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।